हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी ब्लॉग। तो आज घर से नहीं, मेरे घर के बाहर से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ फिलहाल। और मैं और अनुषा के पापा निकल चुके हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के, शाम के 4 बोल सकते हैं। और मैं अनुषा के पापा निकले हैं कुछ रीज़न के वजह से, आपको पता चल जाएगा। और हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये जो रास्ता है वही मैं इंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मैं ले लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी या बहुत कुछ प्रॉब्लम। तो आपको मैं वहाँ पे जाके बताऊँगी मैं क्या लेने वाली हूँ क्या नहीं। तो हमारे घर के एरिया में ना ये पर्टिकुलर जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से अगर कभी भी क्रॉस करो, इतना सारा फूल देख के बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग्स होता है। तो अभी फ़िलहाल आज हम लोग बाइक से नहीं जा रहे हैं, बिकॉज काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ से ऑटो लेंगे। तो वहाँ पे जाके हम लोग दिखाएंगे मैं कहाँ पे जा रही हूँ, बिकॉज आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊँगी, वहाँ पर जाके ही आपको बताऊँगी। और ऑलरेडी मैं अभी जो मेरा थंबनेल है वहाँ पर भी नहीं डालूँगी, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा और इसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल अनुषा को मैंने घर पे छोड़ा है। अनुषा अपने दादू के साथ और दादी के साथ घर पे है, उसको मैंने नहीं सुलाया। और मेरी जो फ़ोन है वो मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, बिकॉज़ अनुषा बहुत ज़िद करेगी मेरे साथ आने की, कोशिश ज़रूर करती। तो इसकी वजह से मेरे फ़ोन में काफ़ी सारे वीडियोस, गेम वगैरह डाउनलोड किया हुआ है अनुषा के लिए, एक्टिविटीज़ गेम, तो वही वो कभी कभार देख लेती है। तो ये रहा जो मैं ख़रीदने के लिए आई हूँ, ये एक्चुअली डेमो प्रोडक्ट है, अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं मिला है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी फ़ोन चेंज कर लूँ, बिकॉज़ आप लोगों को भी पास में मेरे वीडियो जाता है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा व्लॉग मैं डाल पाऊँ और आप लोग देख पाए। फ़िलहाल ये जो रिकॉर्डिंग है मैं अनुषा के पापा के फ़ोन से कर रही हूँ, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल मैं अपनी जो फ़ोन है मैं घर पर छोड़ के आई हूँ। तो ये रहा, बिलिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो सब कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पूरा अनबॉक्सिंग जितना भी हो सके मैं दिखा दूँगी, लेकिन घर पे जाके मैं फिर से दिखाऊँगी ज़रूर। तो ये कलर मैंने ही लिया था, बिकॉज मुझे ये कलर थोड़ा डिफरेंट लगा था। नया लॉन्च किया है वीवो का फ़ोन और अनुषा के पापा ने कहा कि आप ले सकते हो, बिकॉज इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। और पर्टिकुलर मुझे कैमरा और जो मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस की कमी हो गई थी, थोड़ा सा हैंग वगैरह करता था, तो मुझे इसी रीज़न के वजह से कि मैं जल्द से जल्दी एडिट कर पाऊँ आपके सामने और भी नया नया व्लॉग, इवन अच्छे क्वालिटी का व्लॉग ला पाऊँ, इसके लिए मैं अपना फ़ोन चेंज कर रही हूँ। नहीं तो मैं फ़िलहाल नहीं करती, बिकॉज मुझे था कि अनुषा थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बिकॉज कभी कभार ना अनुषा बहुत फ़ोन फेंकती है, तो इसलिए मैं चाहती थी बाद में लूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं घर पे आ चुकी हूँ और अनुषा के पापा आपको फ़ोन ओपन करके दिखा रहे हैं। और जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह जो भी डालना है वो अभी तक नहीं हुआ है, बाद में हम लोग करेंगे। तो घर पे आके मैंने कुछ देर रेस्ट वगैरह करके अनुषा को लेके बैठ चुकी हूँ पास्ता बनाने के लिए मेरे नए फ़ोन के साथ। और ये वीडियो भी मैंने नए फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, आप देख सकते हैं। आप बताइएगा कैसा लग रहा है ये नया वीडियो। आई होप नेक्स्ट टाइम जो भी आपके पास वीडियो और फ़ोटो वगैरह आएगा थोड़ा बहुत क्लियर आएगा, क्योंकि ना रात के टाइम पे मैं जब व्लॉग करती थी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती थी और क्लियर नहीं आता था, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती थी। तो इससे आई होप इतना कुछ मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनुषा बैठी है और मैं उसको जितना भी बार बोल लूँ कि गैस के सामने मत बैठो वो नहीं सुनती है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं बच्ची को क्यों बिठाती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, रो रही थी। तो उसके पास वाला जो बर्नर है वो वाला नहीं जल रहा था, मेरे पास वाला ही जल रहा था, तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पर बिठाया उसको। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो मानती ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ।
और पता है मैं ये सब वीडियो वगैरह में इतना ज़्यादा अभी इन्वॉल्व हो गई हूँ कि पास्ता वगैरह भी आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ कि एक छोटा मोटा क्विक ईजी रेसिपी आपके सामने लाऊं शॉर्ट्स वीडियो तक के लिए या लॉन्ग जो भी हो, लेकिन अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बिकॉज रेस्टोरेंट में कुछ स्टाफ का इशू है। इसकी वजह से काफ़ी दिनों हो चुके हैं ये पास्ता लाए हुए, लेकिन आज मैंने सोच लिया थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ, बाकी आपको शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी दूसरा कुछ पास्ता का नया कुछ डिफरेंट रेसिपी। फ़िलहाल घर के लिए थोड़ा बहुत मैं बना रही हूँ और ये शायद अनुषा के चाचू और पापा के लिए हैं, और आज संडे है, अनुषा के चाचू भी घर पे हैं। तो कल के जो व्लॉग था मैं पूरा शूट इसी वजह से नहीं कर पाई बिकॉज शाम के टाइम पे हम लोग फ़ोन ख़रीदने के लिए गए थे तो टाइम ही नहीं मिला। मैं पर्टिकुलर अलग सा व्लॉग आपके सामने डालना चाहती थी कि फ़ोन का अनबॉक्सिंग, खरीदने जाना, ये सब कछ। और ये रहा मेरे छत्तू जो धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और अभी जो देख रहे हैं इसके दो दिन बाद ऑलरेडी इसके जो पर है और ऊपर जो भी स्किन है वो काफ़ी ढक चुका है, बहुत सारे उसके ऊपर बाल आ चुके हैं, और अभी थोड़ा बहुत वो चलनी भी लग गई है। अभी फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत वो थोड़ा बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से चल लेती हैं। मैं एक एक दिन का अपडेट ज़रूर आपको दूंगी और मैं बस प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक जाए, वो हेल्दी रहे बस। तो फ़ोन मिलने की खुशी में आज अनुषा के चाचू भी ऑनलाइन से कुछ मंगवाया था, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और रात के टाइम पे यहाँ पे बन रहा है चिकन, तो शाम से कुछ ना कुछ बन ही रहा है। और चिकन जो है ये सुबह ही आया था लेकिन सुबह टाइम ही नहीं मिला किसी को बनाने की, तो रात के टाइम पे बना रहे हैं। और बहुत इजी टू कुक है, जो भी मसाले हैं एक साथ ऑनियन, प्याज, अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली, जो भी पाउडर मसाला है सब ऐड करके मिक्स करके बस बैठा दो, यही है। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। फ़िलहाल यहाँ पे अनुषा के चाचू दे रहे हैं आइसक्रीम जो ऑनलाइन से आया है अभी फ़िलहाल। तो चलिए आज इंग्रेडिएंट भी आपको बता देती हूँ ये चिकन का। यहाँ पे चिकन को धो लिया था हल्दी और सरसों के तेल, उसके साथ सूखी लाल मिर्च पाउडर और ग्रीन चिली, ऑनियन यहाँ पे दे रहे हैं, अभी देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद टमाटर और जीरा पाउडर, हल्दी ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसके साथ नमक, ये सब बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। इवन आपके पास अगर दही हो तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन आज रात को हम लोग दही लाना ही भूल गए, नॉर्मली होते हैं घर पे लेकिन आज घर पे नहीं है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से जो भी मसाले हैं चिकन में ऐड हो जाए। ये लास्ट में दे रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद नमक देंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे। फ्रीजर में रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, जितना देर ये रहेगा उतना ज़्यादा मसाले इसके अंदर जाएगा, बस इतना ही है। और आलू हमने अलग से मैंने कट के रखा है, वो सब भी फ्राई होगा फिलहाल। तो यहाँ पर सरसों के तेल ले लिया है आलू फ्राई करने के लिए, आलू को हम लोग फ्राई करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और नमक दे देंगे ताकि आलू में थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे चिकन बनना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तेल में पहले गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, तेज पत्ता, एक सूखी मिर्च बिकॉज ऑलरेडी चिकन में हरी मिर्च जो है वो है, उसके साथ जीरा, खड़ा जीरा और प्याज अलग से दे रहे हैं थोड़ा सा, अभी इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और हमारा जो चिकन है मैरिनेट किया हुआ, वो आलू, चिकन सब कुछ एक साथ डल जाएगा। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट अपडेट।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी जो चिकन का मसाले हैं बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और लास्ट में थोड़ा सा नमक कम था इसलिए नमक दे रहे हैं। और मेरे जो मदर इन लॉ है नमक जब भी देते थोड़ा बहुत कम ही देते हैं, बिकॉज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कम ही देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं चिकन मसाला, उसके साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर के साथ। ये चिकन पूरा रेडी हो चुका था, लेकिन लास्ट तक मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज अनुषा को मैं डिनर करवाने चली गई थी। और अभी फ़िलहाल अनुषा के जो दादू हैं मेरे फादर इन लॉ है, उनको ही मैं खाना सर्व कर रही हूँ। बट ये काफ़ी इजी टू कुक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और राइस के साथ ही हम लोग खाते हैं, अगर ग्रेवी वाला चिकन हो तो राइस के साथ ही खाते हैं, और अगर सेमी ग्रेवी हो ना तब रोटी के साथ खाते हैं। लेकिन आज सभी का मन था कि राइस खाएंगे रात पे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई नो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग दिन था, और रात के हमारा डिनर करने के बाद आइसक्रीम खा के हम लोग मेरा वीडियो एंड कर रहे हैं। और बताइएगा मेरा फ़ोन और मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, मेरे नया फ़ोन का लुक्स भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा इसी फ़ोन से आएगा, अच्छे क्वालिटी के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। सी यू ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।